अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जौनपुर में निजी कार्यक्रम में जाते समय सुल्तानपुर जिले से पत्रकारों से बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर जमकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार को लैपटॉप से नहीं बल्कि शौचालयों से प्रेम है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के लैपटॉप अभी भी चल रहे हैं लेकिन इनके शौचालय नहीं चल रहे। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका उद्घाटन तो हमारी सरकार में हुआ था लेकिन मौजूदा सरकार अभी तक नहीं बना पाई। नाम समाजवादियों का था इसीलिए मौजूदा सरकार जल्दी काम नहीं कर रही। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 108 एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 102 बर्बाद कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि अब पुलिस में क्या बदलाव आ गया जो 100 को बदलकर 112 कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इंजीनियर्स को सांड पकड़ने में लगा दिया। अगर इनके पास इंजीनियर हैं तो जाएं देखें हम गोमती को किस तरह से साफ करना चाहते थे। हम गंगा को साफ करने में उनका सहयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं जो अपना भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने और भी कई मुद्दों पर अपनी राय दी और मौजूदा सरकार को जमकर घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।